color therapy. Color therapy, I mean, we actually see all the colors in front of us, right? हमें सारे कलर्स तो पता ही है बचपन से. यू नो, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको पहले वेग सा कुछ दिखता है, उसके बाद उसका स्टार्टिंग आई जो रेटिना है वो कलर अब्सॉर्ब करता है, एंड दैट कलर कम्स फ्रॉम सन. आई बिलीव वो सबको पता होगा, राइट? सो इसमें मैंने वैल्यू एडिशन क्या क्या किया है. Few interesting topics, which is like facial, gold facial, okay? Gold facial, I mean, my forte is to teach as much ease as possible. ज़्यादा तामझाम के साथ पढ़ाना या इतना difficult के बना के पढ़ाना, मैं खुद इतना काम नहीं करती तो मैं आपसे भी नहीं कराऊंगी, okay? So gold facial. प्लस गोल्ड कैसे जनरेट होता है. यू नो, हम लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं साधना करो, सिद्धि करो. क्यों क्यों, किसी को पता है? कैन एनीबडी आंसर टू दिस क्वेश्चन? सिद्धि, साधना, मतलब प्रत्याहार, ऑल दिस अष्टांग क्यों करते हैं हम लोग? आप लोग अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं. यू कैन आंसर इट एंड यू कैन कंट्रीब्यूट कर सकते हो. लेट्स बी एन इंटरेक्टिव सेशन. मैं ही बोलती रहूंगी, यू पीपल कैन आल्सो कंट्रीब्यूट. आई विल गेन नॉलेज फ्रॉम यू ऑल. मैम, मैं मेडिटेशन करती हूँ शांति के लिए, मुझे रिलैक्स मिलता है. ओके, अपना पास कर्म कट होता है. ओके ओके, गुड. बोथ आंसर्स आर करेक्ट. बट जब हम कलर्स की बात करते हैं, साधना, मेडिटेशन, ये सब हम हमारे सोल में, लाइक आप सबको पता होगा हर कलर का अपना अपना चक्र है. अपना अपना चक्रा का एक एक कलर है और उसका एक एक वाइब्रेशन अलग है ना? तो वो कलर्स कहाँ से आते हैं या हमें कैसे पता लगता है कि वो कलर्स हमारे अंदर कम हुई या ज्यादा हुई, या हमें वो कलर सही करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसके अंदर कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा होगा? ये तो रेड. करेक्ट, कलर रूट चक्र. करेक्ट, सो रेड कलर इतना पता है, बट रेड कलर को कम कैसे कर सकते हो ताकि वो शांत हो जाए बंदा? वो भी कलर नहीं बताएगा. मैम, रूट चक्र पे फोकस करेंगे, रूट चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा. ज्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव है तो मैम उसको बैलेंस करना होगा ना, तो मैम मेडिटेशन से उस रूट चक्र पे मेडिटेशन करना पड़ेगा. व्हाइट कलर को, व्हाइट कलर के बारे में अभी, व्हाइट कलर के बारे में अभी मैं बताऊंगी. बट रेड का जो कॉन्ट्रडिक्टरी कलर है, एक होता है समर कलर, एक होता है कूल कलर जिसको बोलते हैं. कूल कलर लाइक पिंक, ब्लू, ब्लू, स्काई ब्लू है ना, दिस इज कूल कलर. इन एडिशन टू गोल्ड एंड पिंक, पिंक इज लविंग कलर, राइट? इसीलिए वास्तु में भी मैं इतना मायर नहीं हूं, सर इज यू नो मास्टरी इन वास्तु, बट देन वहां पे भी कलर कॉम्बिनेशन होता है. बेडरूम में ये लगाइए, वहां पे वो लगाइए ताकि कंपेनियनशिप अच्छा हो. बट वेन वी आर इन अ सोल जर्नी, जैसे हमारा सोल पैदा हुआ, उसके बाद हमारा काम क्या है? टू रिफिल ऑल द कलर्स जितने भी भगवान ने दिए हैं. और हर कलर का एक एट्रीब्यूट है सोल लेवल का. एंड ये सारे कलर भरने के बाद अगर आप बुद्धा या जो भी सिद्ध पुरुष हैं, उन लोगों के ऑरा का अगर आप देखेंगे, उनके अंदर इतनी गोल्ड भरी, गोल्ड आपको पता है ना, तिरुपति बालाजी गोल्ड, गुरुद्वारा टेम्पल गोल्ड, सबका जो ऊपर का जो डोम होता है वो गोल्ड से भरा होता है. क्यों? सिल्वर क्यों नहीं भरते हैं? काला क्यों नहीं भरते हैं? या रेड क्यों नहीं करते हैं? क्यों सारे मंदिरों के ऊपर गोल्ड ही होता है? बिकॉज गोल्ड में रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है. जैसे दाग धब्बे, काला आई या लटका हुआ चिन्ह
या माथे में कुछ कुछ झुर्रियां, कुछ भी हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, मोटापा को छोटा करना, ये सब हम इस क्लास में सीखेंगे. हाउ टू टक योर टमी, अपने सैगिंग स्किन को कैसे टाइट करना है, ग्लो कैसे लेके आनी है इन अ वेरी नॉर्मल एंड इजी वे. ओके, एंड और क्या क्या चाहिए आपको इस क्लास से, अपने सुंदरता के ऊपर यू कैन डिमांड. मैम मुझे अपने बाल ब्लैक चाहिए. सॉरी, मुझे अपने बाल ब्लैक चाहिए मैम, मेरे बाल व्हाइट हो गए. बाल ब्लैक, ओके. आई हैव नॉट कवर्ड बाल इन इट बिकॉज पूरा सेशन ही इतना बड़ा है कि प्लैनेट्स भी लिए है. एंड फर्स्ट में तो स्कैनिंग सिखाएंगे. ओके मैम, बिकॉज स्कैनिंग जब तक स्कैनिंग जब करोगे तो आपको तो पता ही है कौन सी कमी है कौन सा ज्यादा है, वो तो आपको अपने आप पता लग जाएगा. उसके बाद मैं जैसे जैसे आंसर देती रहूंगी आप अपना काम करते रह सकते हो.